मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। मैं लगातार आप लोगों से बिहार विधानसभा चुनावों की बातचीत कर रहा हूं। जो रैलियां होती हैं, जो लोग भाषण दे रहे हैं, जो जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उन सब की बात करता हूं। नेताओं की भी क्षमता और उनकी जो कमियां हैं, उनका जो प्रभाव है, उनका जो प्रभाव नहीं है, वो सब की बात कर रहा हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है विधानसभा में क्या स्थिति है, प्रत्याशी कौन है, जातीय या फिर जो अलग अलग कहते हैं कि जाति धर्म के आधार पर तो वोट पड़ता ही पड़ता है, वहां क्या स्थिति है। जिस समीकरण को लेकर तेजस्वी यादव चलते हैं, मुस्लिम यादव, उसमें क्या यादव सारे के सारे उनके साथ नहीं जा रहे हैं, और जहां ये समीकरण बहुत मजबूत भी हो जा रहा है, वहां कैसे जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी जीत रही। पहले भी कई सीटों पर मैंने आपको बताया है, आगे भी ये दिख रहा है। तो ये जो समीकरण है, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? इससे आपको जब 10 तारीख को नतीजे आ रहे होंगे तो आप चौंकेंगे नहीं कि आखिर इस सीट पर ये क्यों जीत गया। मुजफ्फरपुर लोकसभा की विधानसभा सीटों की मैं बात कर रहा हूं। अभी यहां से सांसद हैं अजय निषाद, और मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर, गायघाट, औराई, बुचाहन, सकरा, कुरहनी, ये 6 विधानसभा सीटें हैं। राजपुर भूमिहार मुस्लिम मुजफ्फरपुर विधानसभा में बहुत निर्णायक स्थिति में हैं। ये इसके अलावा ब्राह्मण, कुर्मी, रविदास, पासवान और यादव, ये जिस तरफ एक साथ समूह बना के अलग अलग चले जाएं, तो मान लीजिए कि 2 कोई जातियों का ग्रुप मिल गया तो वो फिर स्थिति बदल देते हैं। अभी यहां से बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा नेता सुरेश कुमार शर्मा विधायक हैं। पिछले 20 साल से यहां वो लड़ रहे हैं, जीतते हैं, हारते हैं। 2005 में हार गए थे, पिछली 2 बार जीत गए थे। तो कुल मिलाकर ये है कि इस सीट पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, और इस बार जो भाजपा के पक्ष में स्थिति है और यहां का जो सामाजिक समीकरण है, जातीय समीकरण है, उसके लिहाज से विधायक सुरेश शर्मा फिर से चुनाव जीतते दिख रहे हैं। कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी उनका रास्ता रोकने की कोशिश में लगे हैं। पासवान, भूमिहार, यादव और मुस्लिम जब गायघाट विधानसभा की बात करते हैं तो ये तय करते हैं। और 2015 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने महेश्वर प्रसाद यादव को टिकट दिया था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की वीणा देवी को हराया था। क्यों? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और राजद तो एक हो गए थे, तो भाजपा की ताकत कमजोर हो गई थी। वो कहें कि ये सीट जो जदयू भाजपा अलग अलग समय पर यहां मजबूत रहती, वो नहीं मजबूती रही। और आरजेडी को मिले थे 67,000 से ज्यादा मत, भाजपा को 63,000 से ज्यादा मत, तो महेश्वर प्रसाद करीब 4,000 वोटों से भाजपा से जीत गए थे। अब 2010 की बात करें तो वही वीणा देवी, उन्होंने हराया था महेश्वर प्रसाद यादव को ही। तब महेश्वर प्रसाद राजद से लड़े थे और अच्छा खासा अंतर था, 56,386 वीणा देवी को मिला था, 40,399 मिला था महेश्वर प्रसाद यादव को। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है, और इस बार जदयू से महेश्वर प्रसाद यादव आ गए हैं, यानी भाजपा ने ये सीट जनता दल यूनाइटेड को दी और जो राजद के प्रत्याशी हैं वो आ गए हैं यहां। तो अब कुल मिलाकर स्थिति बदल गई है, राजद ने निरंजन राय को दिया है। यहां मामला थोड़ा सा गड्ढमड्ड दिख रहा है। महेश्वर प्रसाद यादव की स्थिति मजबूत है लेकिन आसान नहीं है उनके लिए। औराई, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जीते थे राष्ट्रीय जनता दल के यहां से, अब ये सीट चली गई माले के खाते में। माले ने टिकट दे दिया है आफताब आलम को। और अगर इस सीट की बात करें तो राममूरत राय ही हारे थे पिछली बार, और 2010 में राममूरत राय जीते थे सुरेंद्र कुमार को, हराया था। 2005 में जनता दल यूनाइटेड के अर्जुन राय विजयी रहे थे। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो 2015 वाला समीकरण है, कई जगह पर एकदम स्थिति बदल दे रहा था। अब 2020 में वो स्थिति बदली हुई है। भाजपा के राम सूरत राय, उनकी स्थिति ज्यादा मजबूत दिख रही है माले के आफताब आलम के मुकाबले। बुचहा विधानसभा, मुस्लिम, यादव, भूमिहार,
निर्णायक संख्या में हैं। और फिर पासवान है, कोयरी है, मतलब दूसरी दलित जातियां हैं, वो भी तय करती हैं। बुचहां विधानसभा आती है मुजफ्फरपुर। अब अगर कहें कि इस सीट को कैसे देखें, तो ये सीट राष्ट्रीय जनता दल की बेहद मजबूत सीट है। रमई राम का नाम तो आपको ध्यान में होगा ही, 8 बार के विधायक हैं, उनकी परंपरागत सीट है, और जो स्थिति रही है वो उनको हराना बहुत कठिन रहा है। लेकिन पिछले चुनाव में हो गई एक गजब की उलट, मतलब जिसको कहते हैं ना शीर्षासन करा दिया, बेबी कुमारी ने, निर्दलीय बेबी कुमारी ने रमई राम को 24,000 से अधिक मतों के अंतर से हरा दिया था। अब आप समझिए कि क्या क्या चीजें होती रहती हैं। और तीसरे नंबर पे थे शिवसेना के लाल बाबू पासवान। अब वीआईपी के मुसाफिर राम और राजद के रमई राम के बीच में मुकाबला है। रमई राम की स्थिति हालांकि ज्यादा बेहतर है। सकरा विधानसभा, सकरा विधानसभा ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और यहां से अभी जो मुकाबला है कांग्रेस के खाते में चली गई है, चूंकि उमेश कुमार राम कांग्रेस से, जनता दल यूनाइटेड से अशोक चौधरी, लोक जनशक्ति से संजय पासवान, बहुजन समाज पार्टी से गीता कुमारी, जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव वाली उससे सुरेश कुमार, इतने लोग लड़ रहे हैं। अब कुल मिलाकर यह है कि मामला यहां साफ नहीं है बहुत, किसकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। जदयू के अशोक चौधरी को लगता है कि वो चुनाव जीत लेंगे, लेकिन जिस तरह का कई कोणों में मुकाबला हुआ है उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही। कुरहनी, मुस्लिम, राजपूत, भूमिहार, यादव, ब्राह्मण, कोयरी, पासवान, ये सब जातियां बहुत अच्छी स्थिति में हैं। भारतीय जनता पार्टी के केदार प्रसाद गुप्ता विधायक हैं भी, उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के मनोज कुमार सिंह को हराया था, क्योंकि तब तो जनता दल यूनाइटेड राजद के साथ था, और मनोज कुमार सिंह 2005 से 15 तक इस सीट पर जदयू के विधायक रहे थे। तो ये जो विधायक रहे थे मनोज सिंह, उनका भ्रम दूर हुआ होगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जीते थे। अब केदार गुप्ता फिर से लड़ रहे हैं, उनके सामने राजद के अनिल साहनी है, और भारतीय जनता पार्टी के केदार गुप्ता फिर से इस सीट पर विधायक बनते हुए दिख रहे हैं। तो एक और लोकसभा में आने वाली विधानसभा सीटों के बारे में मैंने आपको कुछ स्थिति साफ करने की कोशिश की, और जो बची हुई विधानसभा सीटें हैं उनके बारे में भी मैं आपको लगातार बताऊंगा 7 नवंबर के पहले, सभी 243 विधानसभा सीटों के बारे में आपके सामने स्पष्टता आ जाएगी। आपको लगता है कि दूसरे लोग जो बिहार विधानसभा सीटों की स्थिति समझना चाह रहे, राजनीतिक समीकरण समझना चाह रहे, उनको चाहें तो आप मेरे इस YouTube चैनल तक पहुंचाने में मददगार हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।